हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जो पलक झपकते ही आपकी कैलकुलेशन और हो जाएगी। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, किलो, यानी कि 50-100 ग्राम को निकालना कोई भी चीज़ है, अगर उसकी वैल्यू दी गई है 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का कितना होगा? 30 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना होगा? 180 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना होगा? 120 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना होगा? 160 रुपये किलो कोई चीज़ है तो 100 ग्राम का कितना होगा? ये सब चीज़ जो है आप पलक झपकते ही निकाल सकते हैं इस ट्रिक की मदद। इस वीडियो में सिर्फ मैं दो ट्रिक बताऊंगा और सारी ट्रिक हमारे दिमाग में रखी हुई है, नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ दो ट्रिक को इस्तेमाल किया गया है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप जानना चाहते हैं 80 रुपया किलो जलेबी है तो 100 ग्राम जलेबी का दाम कितना होगा? ठीक है, तो हम बता दें दोस्तों, 80 रुपये किलो जलेबी है, तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर्फ 80 रुपये लिखना है। ठीक है, 80 रुपये, और आपको एक अंक कट कर देना है, इकाई को कट कर देना है। उसके बाद जो बचा वो 100 ग्राम जलेबी का दाम है। ठीक है, 100 ग्राम का 8 रुपये। ठीक है, और कुछ नहीं है, 100 ग्राम का 8 रुपये हुआ। अगर आप 90 रुपये किलो कोई चीज़ है, 90 रुपये किलो कोई चीज़ है, तो 100 ग्राम का हो जाएगा कितना? इसको कट करिए, 9 रुपये हो गया। अगर कोई चीज़ 50 रुपये किलो है, कोई भी चीज़ हो, तो 100 ग्राम का कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, 100 ग्राम को एक इसे कट कर दीजिए इकाई को। उसके बाद जो बचा वही है 5 रुपये हुआ 100 ग्राम का। और जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है 30 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का कितना होगा? तो इसे कट करिए, 3 लिखे, 3 बचा, 3 रुपये हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है 35 रुपये किलो, ठीक है, तो 100 ग्राम का कितना होगा? तो 100 ग्राम को हो जाएगा, इधर एक पॉइंट लगाना है, जब पॉइंट लगाएंगे तब इधर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर सीधा सीधा अंक है, जीरो है, तब तो ये ट्रिक काम करेगी, और जीरो नहीं है तो फिर दशमलव काम करेगी। यहाँ पर दशमलव लगाइए तो यहाँ पर जीरो लगा देना, हो गया। अब यहाँ पर 0.3500 रुपीज़, ठीक है, हो गया, यानी कि 3 रुपये 50 पैसे 100 ग्राम का हो गया। मान लीजिए 31 रुपये किलो कोई चीज़ है, तब कितना होगा? ठीक है, तो 100 ग्राम का कितना होगा? तो सेम सिचुएशन है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए, यहाँ पर जीरो लगाइए। अगर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और
यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, उसके बाद जो है सीधा वही बन जाएगा 3.10, ठीक है, यानी कि 3 रुपए 10 पैसे। ओके, अगर अगर कोई चीज़ 41 42 43 है, मान लीजिए 41 रुपए किलो है, 41 रुपए किलो है, तो 100 ग्राम का कितना होगा? ओह सॉरी, कितना नहीं लिखना था मुझको, ऐसे जैसे पहले लिखना था वैसे लिख देना था। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए, इधर एक जीरो लगा दीजिए, हो गया। निकित 100 ग्राम का 4.10 रुपये, यानी कि 4 रुपये 10 पैसा हुआ, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ है 120 रुपये किलो, 120, तो ये सीधा ही है, इसमें जीरो लास्ट में आया है, जिसमें जीरो आए लास्ट में वहाँ पर जीरो को हटा देना है, बस 100 ग्राम हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखना, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए 41 41 रुपए 50 पैसा है, तो उसमें का जीरो मत हटा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, इसमें काम करेगा एक जीरो हटाना, ना तो कि आप मान लीजिए 250 पैसा रुपए किलो है, तो आप 250 को जो है हटा दो, जीरो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये काम करेगा सिर्फ सीधा सीधा अंकों में काम करता है। तो अगर 120 रुपये किलो दाल है, अगर 100 ग्राम दाल का दाम हो जाएगा, 100 ग्राम दाल का दाम हो जाएगा, इसे हटा दो, 12 रुपये, बारह रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 121 रुपये कोई चीज़ है, तब कितना होगा? तो यहाँ पर 121 रुपये किलो दाल है, तो 100 ग्राम दाल का दाम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर पॉइंट मत लगा देना, ठीक है, एक ही अंक के बाद पॉइंट लगेगा, कभी भी याद रखना, नहीं तो 2 अंक के बीच में चले जाओ, 1 अंक के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.10 रुपये हो गया, यानी कि 12 रुपये 10 पैसा, ठीक है। तो ऐसा ये ट्रिक काम करता है। अब यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, एक कोई और लिख देते हैं, मान लीजिए 140 रुपये किलो कोई चीज़ है, और 100 ग्राम दाम का कितना होगा? तो हो जाएगा इसका, यहाँ पर जीरो हटा दीजिए, हो गया काम, 14 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है टोटल इसका 1 किलो, ठीक है। या तो आप यह भी बोल सकते हैं, 1 kg, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम बोल सकते हैं, या तो 1 kg बोल सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब दोस्त मान लीजिए 140 रुपये किलो कोई चीज़ है, 100 ग्राम का होगा 14 रुपये, तो 200 ग्राम का कितना होगा? 14 दूना 28, 28 रुपये हो गया,
300 ग्राम को कितना होगा, 14 14 14 14 42 42 रुपये हो जाएगा। 50 ग्राम का दाम कितना होगा, अगर 140 रुपये है तो 100 ग्राम का दाम होगा 14 रुपये, 50 ग्राम का दाम 14 का आधा यानी कि 7 रुपये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है 120 रुपये किलो, 121 रुपये किलो, तो यहाँ पर 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 2.10, 12.10 पैसा। ठीक है, अगर इसे जो है 50 ग्राम का निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है 6 रुपये 5 पैसा हो जाएगा, इसका आधा 12.10 का आधा जो है कितना होगा, 6.5 पैसा होगा। अब मान लीजिए कोई चीज़ 120 रुपये किलो है, तो वहाँ पर 100 ग्राम का 12 रुपये हो रहा है, 200 ग्राम का 24 रुपये हो जाएगा, 300 ग्राम का जो है बढ़ते हैं 36 रुपये हो जाएगा। अगर 100 ग्राम का 12 रुपये है तो 50 ग्राम का 6 रुपये होगा, जाहिर सी बात। और मान लीजिए 41 रुपये कोई किलो कोई चीज़ है, 100 ग्राम का हो जाएगा, 41 रुपये किलो कोई चीज़ है तो 100 ग्राम का हो जाएगा 4.10 पैसा। ठीक है, 4 रुपये 10 पैसा। अगर इसे जो है आप 50 ग्राम का जानना चाहते हैं तो इसे आधा कर दीजिए, हो गया 50 ग्राम का। बस 50 और 100 यही दो चीज़ तो चलता ही है, अब 25 ग्राम कहीं पर चलता तो है नहीं, लेकिन यह है कि आजकल डिजिटल जो मैप होता है, डिजिटल से जो तोलते हैं उसमें रहता है 40 50 ग्राम। अगर कब ये काम आता है 40 50 या 25 या 30 ग्राम, ये जब कोई चीज़ महंगी हो जैसे सोना चांदी, ये ग्राम में तोला जाता है। बाकी मिर्चा धनिया टमाटर आलू लहसुन प्याज ये जो ठोस चीज़ होते हैं ये तो सीधा किलो में ही आते हैं, कि तो 50 ग्राम की तो 100 ग्राम। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि 100 ग्राम को निकालना पलक झपकते ही कैसे सीखें। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ जो है अगर इस तरह के हैं, उसकी वैल्यू है 80 रुपये 90 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, तो उसका वैल्यू ऐसे ही निकाला जाएगा। इस तरह ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो पलक झपकते ही आप 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम को आसानी से निकाल सकते हैं, पलक झपकते ही। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई होगी तो आप पलक झपकते ही, बस इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ तो सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना की भी नहीं है ना तो ज़्यादा समझना है। तो बस आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।